हाय गाइस, आई एम फ्रॉम द इंग्लिश नाउ। गाइस, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का। गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? सिंधु सभ्यता का स्वरूप बताओ। गाइस, सिंधु सभ्यता मीन्स जो हमारे भारत और पाकिस्तान के आसपास की जो सभ्यता पाई गई उसका आपको स्वरूप बताने कि वो किस प्रकार का था, किस तरह की उसकी व्यवस्था थी, किस तरह की उसकी आकृति थी। ठीक है गाइस, तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट बनता है गाइस, मैंने मार्क भी कर रखा है, सबसे पहला पॉइंट जो बनेगा गाइस आपका सिंधु सभ्यता। यही आपका सबसे मेन पॉइंट पहला ही बनेगा कि सिंधु सभ्यता। आप सबसे पहले इसको डिफाइन करोगे कि व्हाट इज सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता क्या है, ऐसा डिफाइन करोगे पहले। तो इसके अंदर क्या बताओगे गाइस कि सिंधु सभ्यता की खोज 2600 ईसा पूर्व मतलब सिंधु सभ्यता की जो सिंधु सभ्यता है जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2100 पूर्व तक की हैगी। सिंधु सभ्यता जो पूरी सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो आती है वो 2600 से लेकर 2100 ईसा की हैगी। इसकी खोज कैसे हुई? तो 1875 में ये आपके डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा उनको भारतीय पुरातत्व विज्ञान विभाग का सर हेड बनाया गया था, जनरल डायरेक्टर बनाया गया था। तो उनके द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई, जिसमें मुख्य भूमिका 1921 में रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनियों ने निभाया। ये भारत के पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक रहे, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जिसने 1921 में पूरा ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता की खोज करी। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है गाइस? क्योंकि गाइस ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है, जिस कारण से इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है गाइस। इसका गाइस अगर इसमें पॉइंट किया जाए, पॉइंट पूछा जाए कि क्या पॉइंट है भाई सिंधु सभ्यता का स्वरूप में, तो आप सबसे पहला आता है गाइस भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण मीन्स गाइस कि उसका आकृति क्या था, किस तरह की उसकी वितरण थी। तो आप बताओगे गाइस कि इसका जो भौगोलिक वितरण था हड़प्पा सिंधु सभ्यता का, ये त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार कहने का मतलब गाइस ये जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता थी ये त्रिभुजाकार में फैली हुई थी, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक फैली हुई थी, बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ये त्रिकोणाकार में इसका भौगोलिक वितरण था। इसके जो साक्ष्य मिले हैं गाइस, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें ये भौगोलिक वितरण में ये बताओगे गाइस। उसके बाद आता है गाइस आदिवासी प्रतिमान। आदिवासी प्रतिमान क्या होता है गाइस? वहाँ के जो लोग थे किस तरह के रहते थे, किस तरह की उनकी रहने की व्यवस्था थी। वासी, वासी मतलब लोग, आदिवासी प्रतिमान उनकी रहने सहन की किस तरह की तरीका थे। मतलब गाइस हमारा स्वरूप पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, स्वरूप, स्वरूप के अंदर हम सब कुछ बताएंगे कि किस तरह के लोग थे, किस तरह रहते थे, उनके रहने का तरीका क्या था, उनके जीने का किस मतलब साधन क्या था, किस तरह वो जीते थे अपनी ज़िंदगी को, किस तरह से व्यतीत करते थे, ये सारा कुछ आ जाएगा गाइस इसमें। इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है गाइस नगर, मतलब पॉइंट क्या बनेगा गाइस इसके अंदर, सबसे मेन मेन पॉइंट क्या है गाइस जो मैंने लिख रखे हैं आपके सामने। नगर नियोजन सबसे मेन पॉइंट है गाइस, नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या होता है गाइस? उनकी जो सभ्यता थी, वो जो हिंदू सिंधु सभ्यता, उसमें नगर नियोजन कर रखे थे कि किस तरह से रहते हैं। तो उन्होंने घर बना रखे थे, घर, घरें जो बनाई जाती थी गाइस वो ईंटों के चबूतरे के ऊपर बनाई जाती थी। पहले ईंटों के चबूतरे हुआ करते थे, पहले वो चबूतरों को क्या करते थे, ईंटों के चबूतरा बनाकर फिर उसके ऊपर घर का निर्माण किया जाता था। घरों के ऊपर छत पर चढ़ने के लिए जीनाओं का निर्माण किया जाता था, सीढ़ी का निर्माण किया जाता था, जो घर नगर नियोजन के अंदर आएगा। ठीक है गाइस, विशाल स्नान कुंड सेकेंड पॉइंट आता है गाइस, विशाल स्नान कुंड। स्नान कुंड क्या होता है गाइस? अगर इंग्लिश में कहा जाए तो स्विमिंग पूल। ठीक है गाइस, विशाल स्नान कुंड का कहने का मतलब गाइस कि जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता में जो सबसे मुख्य चीज़ पाई गई खुदाई के समय, वो वहाँ के स्नान कुंड थे। क्योंकि गाइस जब उसको पाया गया तो उसको विशाल बने हुए थे, बहुत बड़े बड़े बनाए हुए थे, और सारे स्नान कुंड सीढ़ीदार थे, और उनके अंदर जाने के लिए जीना, उनके पानी को निकालने के लिए नालियों का निर्माण करवाया हुआ था गाइस। और गाइस जो नगर नियोजन थी, इसमें जो नगरें थी वो दो भागों में बटी हुई थी, दुर्ग और निचला शहर। जो अमीर लोग रहते थे, मतलब कहने का मतलब गाइस जो बड़े अधिकारी लोग रहते थे, वो दुर्ग शहर में रहते थे जो ऊंचाई पे बसा हुआ था, और जो गरीब लोग रहते थे वो निचले शहर में रहते थे जो नीचे वाले इलाके में बसे रहते थे। ठीक है गाइस, और जैसे सर गाइस नली और गली और नालियों का भी निर्माण करवाया हुआ था सिंधु सभ्यता में, गली और नालियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि गाइस जो वहाँ के लोग रहते थे, वो जो दुर्ग और निचले शहर में जो लोग रहते थे, उन वहाँ पे गली और नाली इस हिसाब से बनाई गई थी कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की परेशानी ना आए बाद में, फ्यूचर में।
तो गाइस जैसे वहाँ की जो गलियाँ थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति क्या क्या होती है गाइस, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा, ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी वहाँ की गलियाँ। वहाँ की नाली इस तरह की बनाई गई थी गाइस कि वहाँ पे पानी ना रुक सके, पानी की बाहर हो जाए नाली का, पानी के निकास के लिए लास्ट पॉइंट बनता है गाइस हमारा जल निकासी। जल निकासी में क्या आता है गाइस कि वहाँ पे जल निकासी के लिए बड़े बड़े होद, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते थे जिसमें पानी निकल जाता था गाइस। ये आपका है भौगोलिक वितरण और आदिवासी प्रतिमान आपका क्लियर होता है 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है गाइस जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह क्या होता है गाइस कि वो अपने जिंदगी को, अपने जीवन को जीने के लिए क्या तरीके अपनाते थे, किस तरीके से वो अपने जीवन को जीते थे, किस तरह से व्यतीत करते थे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है गाइस मछली पालन। आप इसमें ये बताओगे गाइस कि मछली पालन जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो खुदाई की गई उसमें मछली पालन के साक्ष्य मिले हैं, उसमें मछलियों की हड्डियाँ मिली हैं, तालाबें खुदी हुई मिली हैं जिसमें मछली पालन किया जाने का शंका है। ठीक है, पशुपालन तो गाइस जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो मतलब खुदाई की गई, अलग अलग तरह की जो खोज की गई उसमें ये पता चला गाइस कि जो उस समय के लोग हुआ करते थे वो भेड़ बकरी सूअर जंगली सूअर को पाला करते थे, पशुपालन किया करते थे, गाय भैंस को पाला करते थे। कृषि व्यवस्था गाइस, कृषि व्यवस्था मीन्स गाइस कि हमारे हरियाणा के कालीबंगा जगह पर कृषि खेत में जुताई के साक्ष्य मिले हैं कि जैसे खेत में जुताई की गई हो, कृषि की गई हो। और गाइस जगह जगह पे ना जब हमारे पुरातत्व विभाग द्वारा खोज की गई तो उसमें सफ़ेद चना, गेहूं, बाजरा, मक्के ये सब के साक्ष्य मिले हैं, दाने मिले हैं जिससे कृषि व्यवस्था का पता चलता है गाइस। गाइस कई जगह जानवरों के शिकार, कच्चे जानवरों का शिकार मांस मच्छी खाया जाता होगा जिस कारण से वहाँ पे कई जगह हड्डियाँ मिली हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो जानवरों के शिकार पर अपना जीवन निर्भर रहते थे, जानवरों के शिकार पे मांस पे अपना जीवन निर्भर करते थे। गाइस चौथा पॉइंट आता है आपका शिल्पगत उत्पादन एवं व्यापार। शिल्पगत उत्पादन क्या होता है गाइस, शिल्प मतलब जो पत्थरों की बनाई गई चीज़ें होती है उत्पादन करते थे, उसके थ्रू व्यापार किस हिसाब से किया जाता था। तो इसमें सबसे मेन आता है गाइस मोहरे, पहला पॉइंट इसका बनेगा मोहरे। मोहरे मतलब गाइस सेल खड़ी नामक जो मोहरे बनाई जाती थी उनकी, वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मोहरे सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी जिसका यूज़ वो करते थे गाइस मोहरे। इसमें दूसरा पॉइंट बनता आभूषण, जो अलग अलग तरह के वहाँ पे जो आभूषण पाए गए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में उसमें आभूषण का भी मेन रोल रहा है जो शिल्पगत उत्पादन एवं व्यापार का साधन माना जाता है। वहाँ के जो मूर्तियाँ पाई गई, मृत भांड पाए गए ठीक है गाइस, अलग अलग तरह के देवी देवताओं के चित्र प्रतिमाएँ वो सारे शिल्पकला का साक्ष्य देती है गाइस। इसके अंदर एक और पॉइंट आ जाएगा गाइस जो कहते हैं बाट। बाट क्या होता है गाइस, जैसे जो बटखारा मीन्स बाट मतलब बटखारा जो गाइस वजन करने के लिए यूज़ की जाती है उसे बाट। तो वहाँ पे जो बाट पाई गई गाइस हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में जो बाट पाई गई वो चट नामक पत्थर से बनी होती थी। किस नामक पत्थर से, चट नामक पत्थर से बनी हुई बाटे पाई गई गाइस। जो बाटे का यूज़ मतलब अलग व्यापार के लिए, वजन के लिए किया जाता होगा गाइस। गाइस इस क्वेश्चन का लास्ट और आखिरी पॉइंट क्या है गाइस, धार्मिक विश्वास। वहाँ पे गाइस जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, जो पुरातत्व विभाग द्वारा जब खोज की गई तो वहाँ के जो पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षक थे उनको वहाँ के सिक्के मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र मिले हैं जिससे वो वहाँ के देवी देवताओं का अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास का पता चलता है कि वो देवी देवताओं को मानते थे। अंधविश्वास धार्मिक विश्वास मीन्स गाइस वो पीपल नीम के पेड़ों का पूजा क्या करते थे, बरगो पेड़ों का पूजा क्या करते थे, ये भी इसमें हम लिख सकते हैं गाइस। लास्ट पॉइंट अगर गाइस आपको कम पड़े, अगर कोई पॉइंट भूल जाते हो तो आप निष्कर्ष को एज अ पॉइंट यूज़ कर सकते हो गाइस, जो भी आपने पीछे पढ़ा उसको यहाँ पर नोट डाउन लिख कर सकते हो पर शॉर्ट में। ओके गाइस, गाइस मैं एक बार फास्टली रिपीट कर दे रहा हूँ, कृपया ध्यान से देखें। क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस, सिंधु सभ्यता का स्वरूप बताओ, जिसमें गाइस हमें नॉर्मली 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट सिंधु सभ्यता आएगा जिसमें 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2100 पूर्व तक का बताया जाएगा कि इस समय इसकी काल रहा, जिसमें भौगोलिक वितरण सबसे मेन है कि उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक रहा, आदिवासी प्रतिमान ये इसकी किस तरह थी, नगर नियोजन इसमें जो पॉइंट क्या बनेंगे, नगर नियोजन, विशाल स्नान कुंड, गलियों नालियों का निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था गाइस। फिर उसके बाद आता है जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह जीवन जीने के लिए क्या करते थे, पशुपालन, मछली पालन और कृषि व्यवस्था और जानवरों का शिकार, ये सारा आ जाएगा।
उसके बाद गाइस एक लास्ट पॉइंट बनता है शिल्पगत और उत्पादन का व्यापार, उत्पादन एवं व्यापार। इसके अंदर क्या पॉइंट बनेगा गाइस, मोहरे आभूषण और शिल्प। वो वहाँ पे मोहरे बनाई जाती थी, मोहरे किस नामक से, वो सेलखड़ी नामक पत्थर से मोहरे बनी होती थी गाइस, जिस पर राजा महाराजाओं की चित्रे और उनके देवी देवताओं, कुल देवी देवताओं की चित्रे बनी रहती थी। आभूषण अलग अलग तरह के आभूषण बने रहते थे जो वहाँ के शिल्प उत्पादन और व्यापार का साक्ष्य प्रदान करते हैं। शिल्प कला, मृत भांड और प्रतिमाएँ जो पाई गई उससे हमें शिल्प कला का पता चलता है। पाट, एक पॉइंट अगला कोई कौन सा पॉइंट बन सकता है गाइस, पाट जो बटखारा कहते हैं जिसे, जो चट नामक पत्थर से बनाए गए होते थे, ठीक है गाइस, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे जिसका वजन करने के लिए यूज किया जाता था गाइस। इसके अंदर एक और क्वेश्चन ये बन सकता है गाइस, धार्मिक विश्वास, उनकी धार्मिक विश्वास क्या थी। तो गाइस वो अपने जो गुफाओं में चित्र मिले हैं उसके अंदर अलग अलग तरह की देवी देवताओं के चित्र और पेड़ पौधों की पूजा, नीम पीपल की पूजा की जाती थी, वो धार्मिक विश्वास बताता है गाइस। लास्ट में सभी पॉइंटों को मिलाकर एक निष्कर्ष आप बना सकते हो गाइस। ये द इंग्लिश नब की तरफ से क्वेश्चन थे सारे गाइस, आपको दो क्वेश्चन करवा दे गए हैं, तीन क्वेश्चन अभी आज आपको डाल दिए जाएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर गाइस आपको कुछ भी डाउट हो अबाउट हिस्ट्री देन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस, बाय।